एक बार की बात है, किसी गांव में दीपक नाम का एक गरीब लड़का रहता था। दीपक के घर पर एक मुर्गी थी। दीपक उस मुर्गी के अंडों से आमलेट तैयार करके बाजार में बेचा करता था। आमलेट ले लो, आमलेट गर्मा गर्म स्वादिष्ट आमलेट खा लो। दूसरी तरफ दीपक मन लगाकर अपनी पढ़ाई भी करता था, लेकिन उसकी क्लास में पढ़ने वाला मुरली नाम का लड़का उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तू कितने दिनों से नहीं नहाया, तेरे शरीर से अंडे की बदबू आ रही है, तेरी वजह से क्लास में बैठना मुश्किल हो रहा है, चल निकल यहाँ से। तभी वहाँ टीचर आ जाता है। मुरली दीपक की बुराई करते हुए उसे क्लास से निकालने की बात कहता है, लेकिन टीचर बहुत समझदार था। बेटा मुरली, तुम आखिर दीपक के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो? ये बेचारा काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करता है, तुम सबको इसे सीख लेनी चाहिए। अगर दोबारा तुमने कभी दीपक की बुराई की तो मैं तुम्हारे माता पिता को बुलाकर उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा। दूसरी तरफ क्लास के सभी लड़के दीपक की तरफदारी करते हुए मुरली को भला बुरा कहने लगते हैं। पता नहीं इस दीपक ने इन सब पर क्या जादू किया है, सबके सब इसी की तरह बोल रहे हैं। लेकिन मेरा नाम भी मुरली है, जब तक दीपक को सबक नहीं सिखाऊंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। फिर अगले दिन मुरली अपनी कॉलोनी के दोस्तों के साथ दीपक की दुकान पर पहुंच जाता है। ए अंडे वाले, चल जल्दी से हमें स्वादिष्ट अंडा तैयार करके दे, और हाँ, सबसे पहले प्लेटों को अच्छी तरह साफ कर ले। दीपक प्लेटों को धोने लगता है, तभी मौका देखकर मुरली मसाले के अंदर ढेर सारे छोटे छोटे कंकड़ डाल देता है। दूसरी तरफ इस बात से अनजान दीपक ऑमलेट तैयार करके मुरली और उसके दोस्तों को दे देता है। अरे ये तूने कैसे कंकड़ मिला रखे है, मेरा दांत टूट गया। हाँ ये तो बहुत ही गंदा ऑमलेट बनाता है, चलो इसकी पिटाई करते हैं। देखो मैं बहुत ही साफ सफाई से ऑमलेट बनाता हूँ, इसमें कंकड़ नहीं हो सकते, ठहरो अभी सच का पता चल जाएगा। दीपक ने अपनी दुकान के ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा रखा था। वह उसी वक्त अपने मोबाइल में कैमरे की फुटेज देखने लगता है, जिसमें मुरली मसाले में कंकड़ मिलाते हुए दिख जाता है। तभी आसपास मौजूद सभी लोग मुरली पर नाराज हो जाते हैं। क्यों रे लड़के, तू तो बहुत चालाक निकला, इस गरीब लड़के को फंसाकर इसकी दुकान बंद करना चाहता था, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। फिर वहाँ मौजूद सभी औरतें मिलकर मुरली के साथ साथ उसके दोस्तों की भी खूब पिटाई करने लगती है। मार खाने के बाद मुरली अपने दोस्तों के साथ रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मुरली नहीं सुधरता। फिर एक दिन मुरली चुपके से दीपक की मुर्गी को जहर देकर उसे मार देता है। मुर्गी के मरते ही दीपक को अंडे मिलना बंद हो जाते हैं। उसके बाद दीपक नदी से मछली पकड़कर बेचने का मन बना लेता है। दीपक सारी तैयारी करके नदी में मछली पकड़ने पहुंच जाता है, लेकिन तभी अचानक वह देखता है कि आसमान से ढेर सारी विशाल इडली नदी में गिर रही है। अरे यहाँ तो इडली की बारिश हो रही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? फिर अगले ही पल वहाँ मीना नाम की जादूगरनी आ जाती है। हैरान होने की जरूरत नहीं है लड़के, ये इडली जादुई दुनिया से आ रही है। मैंने वहाँ की एक जादुई दुकान में ढेर सारी इडली बनाने का ऑर्डर दिया था। उसके बाद जादूगरनी सारी इडली नदी से बाहर निकाल लेती है। देखो इस राज को हमेशा राज रखना, इस बारे में किसी को मत बताना। ये चार विशाल इडली तुम अपने पास रख लो, ये जादू इडली हमेशा तुम्हारी सहायता करेंगी। लेकिन मैं इनका इस्तेमाल कैसे करूँगा? इन इडलियों के ऊपर सवार होकर तुम कहीं भी जा सकते हो। मेरी मानो तो तुम लोगों को इडली किराए पर देना शुरू कर दो, लोग इस पर सवारी करेंगे और तुम्हारी ढेर सारी कमाई होगी। जादूगरनी की यह बात सुनकर दीपक बहुत खुश होता है। उसके बाद जादूगरनी दीपक को एक जादू रिमोट दे देती है, जिसकी सहायता से वह चारों इडली को अपने काबू में कर सकता था। उसके बाद जादूगरनी वहां से चली जाती है। फिर दीपक एक इडली के ऊपर बैठ जाता है और रिमोट से चारों इडली को हवा में उड़ाते हुए उन्हें अपने गाँव में ले जाता है। अब मैं अपने घर के सामने एक बोर्ड लगा दूंगा, जिस पर लिखा होगा कि यहाँ हवा में उड़ने वाली इडली किराए पर मिलती है। उसके बाद दीपक अपने घर के सामने बोर्ड लगा देता है। फिर अगले दिन एक आदमी अपनी पत्नी के साथ दीपक के घर आता है। आ सुनो लड़के, तुमने अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया है, उसमें लिखा है कि तुम्हारे पास हवा में उड़ने वाली इडली है।
उस आदमी की बात सुनते ही दीपक रिमोट से एक विशाल इडली उड़ाकर उस आदमी के सामने ले आता है। हाँ कहिए, आपको कहाँ जाना है? आप दोनों इस इडली पर सवार होकर हवा में उड़कर कहीं भी जा सकते हो। यह सुनकर दोनों पति पत्नी खुश होते हैं। हमें पास वाले बाजार में शॉपिंग करने जाना है। ठीक है, आप दोनों इसके ऊपर बैठ जाओ, यह आपको बाजार में ले जाएगी और आपकी शॉपिंग खत्म होने के बाद वापस आपको लाकर छोड़ देगी। उसके बाद वह आदमी दीपक को पैसे दे देता है और अपनी पत्नी के साथ इडली के ऊपर सवार हो जाता है। फिर अगले ही पल वह जादू इडली दोनों पति पत्नी को हवा में उड़ाकर बाजार में ले जाती है। दूसरी तरफ यह नजारा देख सभी लोग दीपक के पास आकर उससे जादू इडली किराए पर लेने लगते हैं। इस तरह देखते ही देखते दीपक रोज लोगों को इडली किराए पर देना शुरू कर देता है। उस दिन के बाद से दीपक रोज ढेर सारे पैसे कमाने लगता है। आसपास के इलाके के सभी लोग मजे से जादू इडली में बैठकर हवा में उड़ते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। कुछ ही दिनों में दीपक के उड़ने वाली जादू इडलियां पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो जाती है। इसी तरह एक दिन दीपक अपनी चारों इडली के पास बैठकर पैसे गिन रहा था, तभी अचानक वहां मुरली आ जाता है। मुझे सब पता चल गया है, जादू इडलियां किराए पर देकर तू ढेर सारे पैसे कमा रहा है, लेकिन आज तू नहीं बचेगा, मैं मार मार के तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। उसके बाद मुरली अपने दोस्तों के साथ मिलकर दीपक की पिटाई करने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तुम चिंता मत करो दीपक, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, ठहरो अभी हम तुम्हारे लिए मदद लेकर आती हैं। उसके बाद वह चारों इडली हवा में उड़ते हुए पास के जंगल में पहुंच जाती है और वहां रहने वाले चार हाथी को अपने ऊपर बैठाकर वापस दीपक के घर के पास ले आती है। फिर इडलियों के कहने पर वे सभी हाथी मुरली और उसके दोस्तों को अपनी सूंड में पकड़ लेते हैं और उन्हें जमीन पर पटकना शुरू कर देते हैं। हाय मर गया रे, अरे कोई बचाओ मुझे। फिर वह चारों हाथी मुरली और उसके दोस्तों को हवा में उड़ाकर दूर आसमान में फेंक देते हैं। देखते ही देखते वे सभी दूर जमीन में धड़ाम से गिर जाते हैं, जिस वजह से उन सभी के हाथ पैर पूरी तरह टूट जाते हैं। उस दिन की घटना के बाद से उन्हें उनका सबक मिल जाता है और वे सभी दोबारा दीपक को परेशान करने की हिम्मत नहीं करते। उस दिन के बाद से दीपक के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वह कुछ ही महीनों में बहुत अमीर बन जाता है। अमीर बनने के बाद दीपक गरीब और लाचार लोगों में ढेर सारी दौलत बांटना शुरू कर देता है। इस तरह दूसरों की मदद करते हुए दीपक हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे और धोखेबाज लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो अच्छे लोगों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाते।